मेरा नाम हमाद अली है और आज का हमारा जो कोर्स है जावा फॉर बिगिनर्स का टॉपिक वो है टाइपकास्टिंग। टाइपकास्टिंग से मुराद ये है कि हम किसी एक डेटा टाइप के डेटा को किसी दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली टाइपकास्टिंग दो तरह से होती है, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग के अंदर हमें प्रोग्रामर को यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ एक्सप्रेशंस का जो आंसर आया है वो माइट बी छोटी डाटा टाइप से बिलोंग करता है और जो हमारा जो दूसरी साइड पे जो वेरिएबल है वो किसी बड़ी डाटा टाइप से बिलोंग करता है, तो जो आंसर है वो बड़ी डाटा टाइप के अंदर इजीली सेव हो जाता है। लेट्स से कि हमारा जो आंसर है वो शॉर्ट में आया है और हम उसको इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और इजीली जो है वो इम्प्लिसिट टाइपकास्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इंट ए इज इक्वल टू 42। जैसा कि हम जानते हैं कि 42 जो है वो इंटीजर में भी स्टोर हो सकता है और फ्लोट में भी इजीली स्टोर हो सकता है, तो अगर हम इंट ए इज इक्वल टू 42 करें और फ्लोट बी इज इक्वल टू ए करें तो ये ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फ्लोट बी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा और उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी कि जो बी है वो उसके अंदर 42 स्टोर नहीं होगा बल्कि 42.0 स्टोर होगा जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर बेसिकली हम किसी ऐसी डाटा टाइप का डाटा स्टोर करवाना चाह रहे होते हैं किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर जहाँ पे हमारा कुछ इंफॉर्मेशन लूज भी हो सकती है। जैसे कि हम फ्लोट वाली वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं इंटीजर में, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो है ए इज इक्वल टू 42.12। अगर हम इसको किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे तो जावा हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.12 की जो वैल्यू है इंटीजर इसको हैंडल नहीं कर सकता, तो जावा हमें यहाँ पे एरर देगा कि हमारी ये वाली जो वेरिएबल की वैल्यू है 42.12 वो इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको हम एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको हम टाइपकास्टिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। हम उस वेरिएबल के शुरू में जो बड़ी डाटा टाइप से बिलोंग करता है हम उसके साथ पैरेंथेसिस में उस डाटा टाइप का नाम लिख देते हैं जिस डाटा टाइप में हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि int b इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में int और आगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू a है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लूज करेगा, यानी कि 0.12 वैल्यू क्योंकि वो इंटीजर हैंडल नहीं कर सकता तो उसको ड्रॉप कर देगा और जो 42 वैल्यू है उसको b के अंदर सेव कर देगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है दैट मींस जो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में इसको देख चुके हैं, हमने ये एनवायरनमेंट सेट किया है फॉर जावा के लिए और यहाँ पे हम जो कोडिंग करेंगे वो जहाँ पे लिखा हुआ है टू डू कोड एप्लीकेशन लॉजिक है, इसके नीचे से हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर और इसके नीचे क्या कुछ लिखा हुआ है ये हम आगे डिटेल में इसको देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ वो जो भी हमने लर्न। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है int और इसने इसका कलर कर दिया है ब्लू। जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जितने भी कीवर्ड्स होंगे जावा जो है उनको उनका कलर कर देगा ब्लू। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसको जावा जो है इनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जावा ने इसके नीचे एक रेड कलर की लाइन भी लगाई है, नेट मीन सॉरी, तो इस रेड लाइन का मतलब है कि ये जो मैंने कमांड लिखी है ये इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब है कि मुझे प्रोग्राम रन करने से पहले पता चल जाएगा कि मेरे प्रोग्राम में अगर कोई सिंटेक्स एरर है तो वो मुझे बता देगा। int a इज इक्वल टू 42, जैसा कि हमने स्लाइड्स पे देखा था, एंड फ्लोट b वेयर b इज इक्वल टू a। तो अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा, किसी किस्म की रेड लाइन नहीं आ रही, इट्स मीन के
ए की जो वैल्यू है वो बी में ट्रांसफर इजीली हो गई है। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम बी की वैल्यू को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। जितने भी कमांड्स हैं उनके आखिर में हमें ये सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 42 आ रही है जो कि हमने बी की वैल्यू प्रिंट करवाई है और यहाँ पे 42.0 आ रहा है। इट्स मीन कि हमने इसमें स्टोर तो 42 करवाया था लेकिन इसने 42.0 कर दिया, यानी इसने ऑटोमेटिकली इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम दूसरी एग्जाम्पल को टेस्ट करें जिसमें हमने पहले फ्लोट लिया था और उसमें हमने ए के अंदर स्टोर करवाया था 42.12 और उसके बाद हमने एक इंटीजर वेरिएबल बी के अंदर उसको स्टोर करवाने की कोशिश की थी, तो आप देख सकते हैं कि जब हम ये करते हैं या इसको हम उसी तरह करते हैं जैसे हमने पिछले वाले को किया था तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपाइलर हमें एरर दे रहा है, यानी कि वो हमें अलाउ नहीं कर रहा कि ए की वैल्यू को मैं बी में स्टोर करवा सकूं। क्योंकि ए की वैल्यू पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं जो कि इंटीजर हैंडल नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये इसको स्टोर नहीं करवाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ ऑपरेटर ऐड कर दूं जो कि टाइपकास्ट ऑपरेटर है, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड लाइन नहीं है और एरर भी नहीं है। अब अगर हम बी की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखें तो हमारे पास उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं बल्कि एक इंटीजर वैल्यू स्टोर। हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 42.12 स्टोर करवाया था ए में और जब ए की वैल्यू को बी को साइन किया तो बी की वैल्यू 42 है, और यहीं पे हम अगर ए की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करवाते हैं जो कि 42.12 है तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 42.12 ही रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 42.12 ही। जी व्यूअर्स, अभी हमने इतना ही देखा है, इतना ही पढ़ा है, तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।